अब हम पढ़ेंगे वाक्य यानी सेंटेंस। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। अब राम शब्द हुआ, स्कूल शब्द हुआ, जाता शब्द हुआ, जाता है शब्द हुआ। अब ये सारे शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। अब ये पूरा क्या बन गया? वाक्य बन गया। अगर इसे अलग अलग करेंगे तो शब्द बन जाएगा। जैसे राम शब्द हो गया, स्कूल शब्द हो गया, जाता है शब्द हो गया। अब इन्हें हम सारे को मिला के बोले तो राम स्कूल जाता है, अब ये वाक्य बन गया। अब दूसरा उदाहरण, प्रज्ञा लड़की है, प्रज्ञा लड़की है, तो प्रज्ञा भी शब्द हुआ, लड़की शब्द हुआ, है शब्द हुआ। अभी ये तीनों मिलके क्या बन गए? वाक्य बन गए। प्रज्ञा लड़की है, अब ये तीनों मिलके वाक्य बन गए। अब इनका मतलब भी तो निकलता है। जैसे प्रज्ञा लड़की है, राम स्कूल जाता है, इन शब्द इन सारे दोनों वाक्यों का अर्थ भी तो होता है कि राम स्कूल जा रहा है, प्रज्ञा एक लड़की है, तो इनका एक अर्थ भी होता है। अब हम क्या कहेंगे? शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। अब वाक्य के अंग, वाक्य के अंग, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। वाक्य के कौन दो से अंग दो अंग होते हैं? पहला उद्देश्य, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और दूसरा विधेय, जिसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। पहला कौन सा हुआ? उद्देश्य। दूसरा विधेय। उद्देश्य मतलब सब्जेक्ट, विधेय मतलब प्रेडिकेट। ये दोनों वाक्य के अंग होते हैं। धन्यवाद।